चलिए ये थोड़ी कि नवी भारी पड़ रही है तुम्हारे लिए। चलो तो लास्ट क्लास हमने देख लिया था एक्सटीग्राफ। एक्सटीग्राफ दो चीजों के लिए देखे गए थे। कौन कौन से दो केसेस हमने देखे थे नोएल? बोलो मैम। हाँ parallel to time axis, yes. बहुत अच्छा दूसरा बोलो। रिपीट कर देने का एक और बोलो। ठीक है तो दो चीजें देखनी है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख लिया था। अब जरा देखो कि एक्सट्री ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और अभी वो यहां पर है। अभी इसकी 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ये 0 पर है और ये इसकी स्पीड इसका जो एक्सीलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हर सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? कितनी हो गई बताओ? 1 मीटर पर सेकंड हो गई 1 सेकंड में हो गई। 1 सेकंड बाद और फिर कितनी हो जाएगी बोलो? 2 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड और बीत जाए और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी क्या ये और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? अच्छा जो फर्स्ट सेकंड है इसमें इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ दिव्या। फॉर फर्स्ट सेकंड बोलो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? हाँ बोलो। ये बता सकती है नोएल क्योंकि नोएल ने लास्ट टाइम पूछा था। इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ जरा। अमन बता सकते हैं। करेक्ट। आप बोलो। -1। चंदन अब बता सकते हैं। -1 मीटर सेकंड। इतना अच्छा बताने का बोली सर। 1 मीटर ये इन्हीं का ठीक रहा। कैसे इनको पता चला कि U प्लस V बाई 2 करना है? वो तो इनिशियल भी दिए फाइनल पहले सेकंड में है। बड़ी बात की नहीं, सिर्फ उत्कर्ष ही जान सके कि 0 प्लस 1 बाई 2 तो कितना हो गया? क्या 0.5 मीटर पर सेकंड हो गई?
ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है, यानी इनिशियल दिया ना एक सेकंड में, पहले सेकंड में। अच्छा दूसरे सेकंड की इनिशियल पूछूंगा तब क्या बताऊंगी, दूसरे इस वाले सेकंड में इनिशियल कितनी है 1 और फाइनल कितनी है 2, तो इन दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर दो तो दूसरे सेकंड क्या जाएगी। कभी भी मैं पहले सेकंड की निकालना हो तो पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट रेस्ट से चला था, पहले ये बताओ एक्सीलरेशन समझ पा रही है कि हर सेकंड में एक एक बढ़ रही है, इतना तो समझ गई ना। अब पहले सेकंड में इसकी बोलो इनिशियल कितनी है और फाइनल कितनी है, तो दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दो, यही एवरेज होती है कि नहीं होती है, इतना समझ में आ गया। तो एक सेकंड में कितना चला होगा बोलो पहले सेकंड में, हैं? क्योंकि पॉइंट यही इसकी स्पीड है पर सेकंड की, तो कितना चला होगा, इतना ही चला होगा ना। सो इट हैज मूव्ड फॉर दिस मच ओनली, ओके, चलिए। अच्छा तो डिस्टेंस क्या होता है बोलो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर एवरेज वेलोसिटी 0.5 है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो सीधे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा और अपॉन टाइम, टाइम तो 1 सेकंड है ना, और ये कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड, और ये 1 सेकंड इसको इधर ले आओ 0.5 मीटर पर सेकंड इनटू 1 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 0.5 मीटर हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या श्रेया आप मुझे ये बताएंगी कि जो t इज इक्वल्स टू 2 के लिए या सेकंड सेकंड के लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, और t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड की इसकी एवरेज वेलोसिटी बोलो, अमन बोलो इस वाले सेकंड के लिए सर इसकी एवरेज वेलोसिटी सर 1.5। चलो तो u प्लस v बाई 2, तो यहाँ पे u कितना है 1 और v कितना है, तो कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड, और इस सेकंड में ये 1.5 मीटर ही चलेगा, फिर हर एक एक सेकंड में निकालना होगा, तो अब कितना और चलेगा बोलो 1.5 मीटर, तो फिर से निकालो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब यहाँ देखिए एवरेज वेलोसिटी 1.5 है, तो डिस्प्लेसमेंट और अपॉन एक सेकंड में और कितना चला, 2.5, वो ठीक है हम कर लेंगे 1.5 मीटर पर सेकंड, जैसा कि श्रेया ने कहा कि 1.5, तो कैसे इनको पता चल गया, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो 1.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जरा देखो कि वो अगर गाड़ी तुम्हारे घर से निकली है तो बोलो देविका एक सेकंड बाद कहाँ पहुंच जाएगी, 0 से निकली है तो एक सेकंड पे वो कहाँ पे होगी बोलो, और 2 सेकंड ये अलग अलग डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, तो बोलो ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ थी गाड़ी, तो अब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, ये मीटर है डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, तो एक सेकंड बाद ये कहाँ पे होगी बोलो, चंदन बता रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक सेकंड बाद, जैसा कि दिव्या ने भी बताया कि एक सेकंड बाद 0.5 मीटर तो होगी कि नहीं, पहले सेकंड बाद, क्योंकि एक सेकंड में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 0.5, तो पहले सेकंड बाद ये कहाँ पे होगी, अब फिर ये दूसरा सेकंड और t2 पे है, पहले सेकंड बाद कहाँ पे होगी 0.5, तो यहाँ देखो t = 1 सेकंड पे कहाँ पे आई बोलो, सही है। अच्छा ये बताओ अब इनमें से सिर्फ एक बच्चा बता पाएगा t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे गाड़ी कहाँ होगी, एक ही बता पाएगा, हमने सब नहीं बता पाएंगे, मतलब ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये बताए
इन्होंने कहा कैसे ये जान गए चंदन, बोले 0.5 पहले चल गई थी और 1.5 और चली, दोनों को फट से जोड़ा, बोले ट्यूब कैसे ये जाने, एक सिर्फ बता पाएगा। तो बोलो t = 2 सेकंड पे कहाँ हुई, क्या ट्यूब में हुई, 0.5 तो पहले ही चल चुका है और 1.5 और नहीं चला। अब t = 3 पे निकालो, तो बोलो 3 सेकंड पर एवरेज स्पीड बताओ। ये बहुत जल्दी बोल देती है, इसको सोचना नहीं पड़ता, ये कमाल की बात, चाहे गलत हो चाहे सही, ये बोल्डनेस होती है इंसान की। एवरेज स्पीड क्या है तो कितनी है, 3.5 यू प्लस वी बाई टू। तो यहाँ से देखो, इन दोनों को जोड़ो, ये थर्ड सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तो कितना हुआ, थर्ड सेकंड में 2 + 3 / 2 तो 5 / 2 कितना होता है, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो बोलो थर्ड सेकंड में वो कितना चल लेगा नोएल, इतना ही तो चलेगा। तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इंटू टाइम, एवरेज स्पीड इंटू टाइम है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो 2.5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितने का है, 1 सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया, 2.5 मीटर चलेगा। तो क्या तुम अभिषेक ये बता सकते हो कि 3 सेकंड बाद अब उस ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगी ओरिजिन से, 2.5 ये है और पहले कितना चल लिया है, 2, तो उसके आगे ही तो 2.5 चलेगा, तो 4.5 ये कहाँ पे होगी बोलो, t = 3 सेकंड है। अब हम इसका ग्राफ बनाएं, ये हुई एक्स एक्सिस और ये हुई टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस में सेकंड में ले लो और एक्स किस में ले लो, मीटर में, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ भी टाइम लो 1, 2, 3, 4, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 इधर है लो, इधर है लो, ये टाइम इधर भी है लो, इधर भी है। अब देखो पहला हमारा टेबल क्या है टाइम का, और फिर पोजीशन भी बनाते जाओ। नाउ देविका, दिस इज टी, दिस इज एक्स, बोलो मैं जीरो पे एक्स क्या लिखूं, अच्छा 1 पे एक्स क्या लिखूं, यानी 1 सेकंड के बाद उसकी क्या पोजीशन है, नोएल 1 सेकंड पे एक्स क्या लिखूं, अमन बहुत अच्छा, क्योंकि 1 सेकंड के बाद यहाँ पे 0.5 पे है कि नहीं, अच्छी बात कर रहे हो। नाउ मयंक, 2 सेकंड पे मैं क्या पोजीशन लिखूं, 3 सेकंड पे मैं क्या पोजीशन लिखूं, बोलो 4.5। अब इसको प्लॉट कर दूं टी और एक्स को, क्योंकि टी एक्स का ही तो ग्राफ है, तो 0 टी पे 0 चला, सही कि नहीं, और 0 पे 0 और बोलो 1 पे कितना दिखाऊं, 1 चलो और 0.5 यहां दिखा दूं, फिर 2 पे कितना दिखाऊं, तो 2 पे 2 दिखाओ, और फिर 3 पे 3 के ऊपर जाओ 4.5 तक, यहां है 4.5 ये देखो, तो 3 पे 4.5। अब इसको मिलाओ, ऐसा आ गया, तो क्या लिखोगे, क्या ये जो एक्सीलरेटेड मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है तो स्पीड बदल रही है। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्स टी ग्राफ इज नॉन लीनियर या कर्व, समझ में आ गया, यही सेंटेंस बोलो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन लीनियर, यही सिंपली कह सकते हो कर्व, कैसा दिखाइए कर्व है, देखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्स टी ग्राफ इज कर्व, देखो t = 1 सेकंड में एवरेज स्पीड निकालना, सही है, यही करवाना हो बस, और ये दे भी दूंगा कंडीशन, आप समझ लो, समझ लो थर्ड समझ लो। देखो t = 3 सेकंड है, बोलो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, एक एक बढ़ रही ना, और फिर फाइनल क्या है,
यानी थर्ड सेकंड के शुरुआत में इसकी स्पीड 2 है और थर्ड सेकंड के पूरा होते इसकी स्पीड 3 हो गई, सही? हाँ, अब देखो तो बोलो इसकी एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला लगाओगी, 2 + 3/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5 हुआ। बोलो इस एक सेकंड में वो कितना चला होगा यदि उसकी एवरेज स्पीड ये है, तो फार्मूला वही है, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये देख लो डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड इनटू टाइम नहीं हो जाएगा, एवरेज स्पीड या अगर वेलोसिटी लिखना चाहते हो, बोलो समझ में आ गई? एवरेज वेलोसिटी लिखो, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो फिर वो 2.5 ही चलेगा एक सेकंड में, जो फिर पर सेकंड यही इसकी स्पीड है। अच्छा 2.5 इतना चला और पहले 2 सेकंड में कितना चल चुका है, क्योंकि पहले एक सेकंड में 0.5, दूसरे सेकंड में 1.5, तो जोड़ते भी तो जाओ ना उतनी दूर होते जा रहा, और 2 के आगे 2.5 और चल लिया, तो अब कहाँ पहुँच गया 3 सेकंड से, क्या 4.5, 2 में जोड़ो 2.5 तो कितना हुआ, क्योंकि पहले में 0.5 दूसरे में 1.5 तो कितना हो गया, नहीं लेकिन उसको लिख के कर लोगे। चलो मेक ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मेक एक्सटी ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। और ये स्मूथ बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा टेढ़ा ऐसे लीनियर नहीं होगा, बिल्कुल एक लाइन होनी चाहिए, कहीं नोक नहीं निकली होनी चाहिए, तो मिलाते समय ध्यान रखना ये गोल हो। चलो इस साइड का तो लिख लिया ना, टेबल बनानी पड़ेगी जो कि इसी के बेसिस पे ही तो आप प्लॉट करोगे। 0 0 1.5 1 पे कितना किया ना, देखो तो 1 पे 1 हो गया टी, और 0.5 पे यहाँ क्या किया, 2 पे कितना 2, और 3 पे 4.5, ये सारे प्लॉटिंग है, और 0 पे 0 ऐसा यहाँ भी अलग लगा दिए ऐसे हो गया, ऊपर का हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, आप बेटा कौन बोल रहे हैं, समीर तो अभी कैसे ज्वाइन कर सकते हो, हाँ नहीं नहीं बना लेने से ठीक है, अगर आप एक्सीलरेशन है तो ये दिखा दो एक एक सेकंड, इसी से ही तो आप कर पाओगे ना। तो ऐसे मत करो, तो t = 0 second to t = 1 second इसमें लो, अब दूसरा क्या लो,
टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड से ही हमेशा हो, टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। और फिर तीसरा चालो टी इज इक्वल टू हमेशा जीरो से शुरू करो और टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड, तीन केस नहीं। अतः जीरो से वन सेकेंड के बीच इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? क्या जीरो प्लस वन बाई टू यू प्लस वी बाई टू? बोलो जीरो से वन सेकेंड के बीच। तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इतने समय में कितना स्पैन है का? वन सेकंड का। तो ये एवरेज वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? वन सेकंड। तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कटा तो 0.5 मीटर आया। अब यहां से यहां लो, बोलो एवरेज वेलोसिटी विद्या क्या हुई बताइए? जीरो से टू सेकंड के बीच, ये वन सेकंड है, ये कौन सा टाइम है? वन सेकंड। फिर यहां पे टू सेकंड नहीं हो गया और यहां पे क्या हो गया? तो जीरो से टू सेकंड के बीच में अब इसकी एवरेज वेलोसिटी जोड़ो जरा शुरुआती और फाइनल। जीरो पे लो और टू सेकंड पे लो, वन पे नहीं, नहीं तो सीधा जीरो और टू पे लो, यहां से यहां तक ले लो, इसे यहां से ले रही हूं ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? सो यू प्लस वी बाई टू, तो दैट इज जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू बाई टू। तो ये क्या 1 मीटर पर सेकंड हुई और डिस्प्लेसमेंट चंदन क्या हो गया? दोनों का ऐड कर देंगे पुराने वाले, समझ ही नहीं पा रहे हैं इसका मतलब, यही से नहीं समझ रहे, काफी देर से क्लास में नहीं है। हाँ अब देखो डिस्प्लेसमेंट दिव्या बोलो, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। दिव्या टाइम क्या लेंगे बोलो? क्या बोलो? 2 सेकंड। तो अब यहाँ टाइम 2 सेकंड ले जाएगा क्योंकि जीरो से टू तक है, सब कुछ जीरो से ले रहा है, यहाँ से एक बार यहाँ से यहाँ तक एवरेज लिया, अब यहाँ से यहाँ एवरेज लेगा, तो जीरो से टू का एवरेज है, तो जीरो और प्लस टू बाई टू किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक समय कितना? 2 सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड और टाइम 2 सेकंड, तो कितना चल रहेगी बोलो? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 पे पहुंच गई। जोड़ना पड़ा था? नहीं पड़ा ना, देखो 1.5 जोड़े थे तब 2 आया था, यहाँ तो सीधे आ गया 2 और वहाँ 4.5 आने वाला। करो जरा बोलो एवरेज वेलोसिटी बताओ चंदन। सर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू अपॉन 2। तो क्या हुई आप आंसर तो बताइए। हाँ यू सर हमने लिया था 0 और सर वी है 3 अपॉन 2, तो 0 प्लस 3 पे आ गए, 0 से 3 तक कर रहा हूँ, तो 0 प्लस 3 बाई 2 तो ये कितना आ गया? और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी अब श्रेया बताएंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसमें वैल्यू फिट करो श्रेया। 4.5 ये तो बताएंगे बताएंगे, अब अरविंद आप बताओ, रुक जाओ कोई बीच में नहीं बताएगा, पता तो चले कि कौन कितना समझ रहा। हाँ बोलो सर 1.5। हाँ हाँ और टाइम? सही है दिव्या आप बोलो। 1.5 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? क्योंकि 0 से 3 सेकंड के बीच कितना टाइम हुआ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 4.5 मीटर। समझ आ गई? तो अब हमने तीनों समय निकाल लिया कि 1 सेकंड पे कितना है, 2 सेकंड पे कितना है और 3 सेकंड पे कितना है। सो ये भी एक तरीका है। फिर इसके बाद हम क्या बना लेंगे? टेबल बना लेंगे। तो टेबल बना लीजिए कि 0 सेकंड पे ये कितना है 0 और बोलो 1 सेकंड बाद इसका कितना हो गया 0.5, फिर 2 सेकंड बाद कितना हुआ 2 मीटर और 3 सेकंड बाद कितना हुआ, बोलो आसानी से हो गया कि नहीं? तो जैसे मैंने किया है अब आप एक्सीलरेशन कितना लेंगे?
2 मीटर और इसको अपने मन से करके दिखाएंगे। अब 2-2 पे करेंगे, चाहे इससे करो चाहे अपने बेसिक मेथड से, ये भी एक तरीका बता दिया ना, फिर से बताएं ना कि समझ में आ गया। तो आप ये देख लीजिए ना कि 0 से 1 सेकंड इसके बीच एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 थी यहाँ 1 थी तो 0+1/5, और ये समय कितने का, 1 सेकंड का है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 0.5 × 1 आ गया। अब 0 से 2 सेकंड के बीच यहाँ 0 थी, यहाँ कितनी हो गई थी, क्या 2 1 2 3 हुई थी कि नहीं, तो 0+2/2 ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक समय कितना है, 2 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम 2 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साथ ले लो, एक एक सेकंड मत लो, यहीं से शुरू करो, बोलो देखो एवरेज कितनी है, 3 सेकंड है, तो एवरेज वेलोसिटी 0+3 हुई 1.5, और कितना सेकंड का अंतर है, क्या 3 सेकंड, सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो आप 2 सेकंड पर ये चीज करके एक्सीलरेशन आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बदल जाएगी, ये 0 होगी, ये कितनी होगी, फिर ये 3 कैसे हो जाएगी, दे रहे हो 2 2 2 2 बढ़ाओ ना, तो 2 फिर यहाँ यहाँ अगर यहाँ पर 6 होगी तो तुम बता सकते हो कि 3 सेकंड में वो कितना चल जाएगा, मनी मन मत करके बताओ, ये 6 तुमने बोला है, 3 सेकंड बाद वो कहाँ पे होगी, चंदन बताओ, 3 सेकंड बाद, अच्छा 3 सेकंड बाद आप बोलो 9 पे, क्योंकि 0+6/2 मन में किया होगा तुमने, तो कितना हो गया होगा 3, और 3 तो 3 कर दिया होगा तो इससे पे, है ना, सही है। चलो सो नेक द ग्राफ फॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, सही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लिया और टाइम 1 सेकंड यहाँ तक तो सही है कि डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया, ये 0 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड, तो 0+2/2 और टाइम 2 सेकंड कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया, ये 3 है तो 0+3/2 और टाइम फिर 3 सेकंड हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट फिर 3 है, तो एक साथ डिस्प्लेसमेंट वाला जोड़ना नहीं पड़ेगा। चलो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, तो तीनों जो गाड़ियां हैं या ट्रॉली है उनके ऊपर उनकी वो लिखो स्पीड, उसके बेसिस पे करो, पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाते जाओ, बनाओ और हर सेकंड में उसकी स्पीड 2 बढ़ाओ, देखेंगे टेक मत लगाओ, तो पहले हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, तो इसको कहते हैं वीटी ग्राफ। अब मान लीजिए पहली चीज है
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे ये हमारा घर है और यहाँ से एक पेड़ है 20 की डिस्टेंस पर है और ये जीरो है। तो मैं घर के बाहर निकला तो दिस इज टी एंड दिस इज वेलोसिटी। तो जीरो सेकंड में उत्कर्ष इस टी का वी की वैल्यू क्या थी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं जीरो थी। और श्रेया 1 सेकंड में इस टी की वी की क्या वैल्यू है? 2.5। ये इनका अलग ही ढाई चार चलती है, बोलो। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ जीरो, क्योंकि चल ही नहीं रहा पेड़। वो कह रहे हैं 20 की स्पीड से ट्रेन चल रहा है, जैसे गाड़ी पे रखा। वो कह रहे हैं 20 की स्पीड है, गाड़ी पे रखा है क्या तुम्हारा पेड़? ऐसा पेड़ है। 2 सेकंड में बोलो जीरो, क्योंकि ट्रेन चल ही नहीं रहा, उसकी कोई वेलोसिटी है भला। और 3 सेकंड में जीरो हो गई। तो अब जरा इसको हम ट्रांसफर करें तो दैट इज इक्वल्स टू वी जो कि मीटर पर सेकंड है और ये टी है वो किसमें है? सेकंड्स में है। इसको इधर लगा दिया, एक्सिस पे भी एरो है। 1, 2, 3 और यहाँ 10, 20 और 30। तो 0 पे 0 और 1 पे भी 0 क्या? 1, 0, 2, 0, 3, 0 तो अब इस पर एक लाइन आ गई। तो फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वीटी ग्राफ इज ऑन टाइम एक्सिस। रिपीट करो श्रेया। ऑन वीटी ग्राफ द टाइम एक्सिस इज। चलो बेटा आप बताओ। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वीटी ग्राफ इज एट टाइम एक्सिस। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसी को डबल बना लेना है, समझ आ रही बात? फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वीटी ग्राफ इज लाइन ऑन टाइम एक्सिस। उसी पे ही लाइन टाइम एक्सिस, ठीक है। अच्छा चंदन, अगर मान लो एक मैं दूसरा केस लेता हूँ भी, और इस बार ये मेरा घर है और पेड़ लेफ्ट में है, तब वीटी ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में होगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे इनको ये बात पता? पढ़ा था। इन्होंने ये बात पढ़ ली है कि अगर ये इधर है तो ये टी है और ये बी है कि नहीं? अभिषेक आप भी बताओ अपनी राय कि तब कैसा होगा वीटी ग्राफ? यही पे है। अच्छा ठीक है, ये इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी हमेशा डोमिनेट करती है पढ़ाई पे। दैट इज 0 पे भी 0 और 1 सेकंड पे भी 0, 2 सेकंड पे भी 0 और 3 सेकंड पे भी 0। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? वही हो जाएगा, कभी इधर हो या इधर हो, रुकी हुई चीज तो रुकी है सर, बट उसकी लाइन हम कहीं नहीं ले सकते। क्योंकि ना अगर मैं ये कह दूं कि ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही, बताओ नॉर्थ में चल रही कि साउथ में? हमें क्या पता, तुम आप तो स्पीड बता रहे हो, हमें क्या मालूम? हो सकता है ईस्ट में चले, वेस्ट में चले, दुनिया में कहीं भी चले, स्पीड से मैं बता दूंगा। स्पीड क्या बता पाती कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? क्या पोजीशन बता दोगे स्पीड से? मैं कह दूँ कि तुम्हारी कार 60 से चल रही है, बताओ तुम जयपुर जा रहे हो कि खंडाला? हमें क्या पता कहाँ जा रहे हैं, 60 से चल रही है बता लोगे? तो क्या स्पीड किसी चीज़ को बता सकेगी कि कहाँ है? नहीं बता सकती है। तो इसलिए स्पीड सिर्फ स्पीड ही बताती है, उसमें पोजीशन खो जाती है। पोजीशन ही नहीं तो कहाँ से बता पाओगे? अब जरा देखो, सो थर्ड केस, ये हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। और अब सेकंड केस देखो, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। चलो यूनिफॉर्म मोशन पे पढ़ाएं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन द वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सही है, ये अच्छी बात बताई है, बड़ी बात बताई। यूनिफॉर्म मोशन, अब देखो ये कार है और तुम्हारे घर के सामने से कार निकली है 10 मीटर पर सेकंड और ये इसी स्पीड से चलती रहेगी, तो बोलो ये 1 सेकंड बाद कहाँ पे होगी और 2 सेकंड बाद कहाँ पे होगी?
तो एक सेकंड बीतेगा यहाँ जाएगी, फिर एक सेकंड यहाँ जाएगी। अच्छा चलो अब इस बात को कनिष्ठा बताएंगे कि टी है और बी है, बोलो जीरो सेकंड में कनिष्ठा इसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत अच्छी दिव्या बोलो, क्योंकि वो चली रही है टेंशन, जब तुम गाड़ी तो पीछे से आ रही ना, तुमने देखा वो चल रही है टेंशन, बहुत अच्छी बात है। वन सेकंड में कनिष्ठा इसकी स्पीड 10, क्योंकि वो यूनिफॉर्म चल रही भाई, उसकी स्पीड बदल रही ही नहीं, कोई पोजीशन देख रहे हो क्या? वेलोसिटी पूछी जा रही है, तुम पोजीशन देखने बैठोगे कहाँ कहाँ? स्पीड बताओ गाड़ी का, स्पीडोमीटर देखो, डिस्टेंस थोड़ी ना देखना है, उसके गाड़ी का कांटा देखो, वो 10 पे है तो है, सीधी चलती चली जा रही, तुमको ये नहीं देखना है कि कौन कौन से पेड़ से गुजर रही है, कौन से माइल स्टोन से, उसका कांटा देखो, वो 10 पर ही है ना। तो बोलो एक सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या है, दो सेकंड बाद क्या है, 3 सेकंड बाद क्या है, क्या बदली? तो 1 सेकंड बाद भी 10, 2 सेकंड बाद भी 10 और 3 सेकंड बाद भी 10, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड है और मोशन भी यूनिफॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या अरविंद तुम रिपीट कर सकते हो जो थोड़ी देर पहले चंदन ने रिपीट किया था? बोलो फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या रिपीट किया था? चलो मैं बताती हूँ, दिस इज 10, ये स्पीड है, अब ये 10-20 इसकी मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो बोलो जीरो पर जब तुम घर से बाहर निकले क्या कार चल रही थी? हाँ, वो पीछे से आ रही थी, रुकती थोड़ी ना थी, क्योंकि उसकी स्पीड वो बहुत पहले से चल रही है, बहुत आगे तक भी चलती रहेगी, तो वो 10 पर थी जीरो पे, और 1 सेकंड बाद भी कितने पे मिली? 10. उसी स्पीड से चल रही है, 2 सेकंड बाद भी 10. और 3 सेकंड बाद भी, तो वो हमेशा 10 पर ही चल रही, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड जिसकी होती है एक लीनियर डायरेक्शन, वही तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता। तो बोलो ऐसी स्थिति में नोएल, अब आप सेंटेंस रिपीट करो। ग्राफ इज सही है, सो इन यूनिफॉर्म मोशन dt ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये बात समझ में आ गई? dt ग्राफ कैसा है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब जरा देखो कि तीसरी चीज, अब हम बात करेंगे एक्सीलरेटेड मोशन की, तो तीसरी चीज है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड मोशन। मान लो कि जैसे ऑब्जेक्ट ये है वेलोसिटी चेंज होती है और ये 0 मीटर पर सेकंड है और इसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड इसका, तो बोलो 1 सेकंड बाद 10 पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी वेलोसिटी है ना ये, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और 1 सेकंड और बाद कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड और बीतेगा तो हर सेकंड इसकी 10 बढ़ती जाएगी, तो ये 30 मीटर। हाँ अब बोलो इसका कैसा ग्राफ होगा? If the object uniformly, if the object is uniformly accelerated, then the VT graph is linear to time axis. थोड़ा गड़बड़ किया तो अब देखो, अच्छा और कोई बताएगा? तो 0 सेकंड में इस ग्राफ को दिव्या पूरा कराओ, 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 हो गई कि नहीं? स्पीड बढ़ गई, आप रेस दे रहे हो। 2 सेकंड बाद कितनी हुई? ये 10 का एक्सीलरेशन है, हर सेकंड में 10 बढ़ गई। और 3 सेकंड बाद सही है। अब जरा देखो, दिस इज v एंड दिस इज t, तो 1 सेकंड
2 सेकंड और 3 सेकंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो 0 सेकंड में इसकी कुछ भी स्पीड नहीं थी, लेकिन 1 सेकंड में कितनी हो गई? तो 2 सेकंड में कितनी हो गई स्पीड, और 3 सेकंड में 30। तो ये ग्राफ होगा। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन BT graph is linear but not parallel to time axis. So linear तो है, लेकिन ये time axis के parallel नहीं है। देखो for uniformly accelerated motion BT graph is linear but not parallel to time axis. अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, उन 3 सिचुएशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है। पहला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और दूसरी कंडीशन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरी कंडीशन कि ऑब्जेक्ट की शुरुआती स्पीड तो 0 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस पर एक्सीलरेशन कितने का लग रहा है? तो आपको 3 कंडीशन में ड्रॉ BT graph for the following situation. स्टेटमेंट सभी में लिखना, स्टेटमेंट की वैल्यू है बुक में, हर जगह स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। जमा करिए, फिर अगला नहीं समझ पाएंगे, एक दो लोग बच जाते हैं, फिर वो अगला पीछे का तो समझ नहीं पाए इसलिए लेट कर रहे हैं, फिर अगला में भी नहीं समझ पाएंगे। सो मान लीजिए ये ए कंडीशन है, ये एक्स है, ये टी है, और ये ग्राफ है। तो आपको बताना है कि ये किस चीज का ग्राफ है। एक्सीलरेशन है तो अब ये देखो, दिस इज ए ग्राफ, बी ग्राफ, सी, डी, और वो पता चल जाएगा। अब ये देखो, हाँ बोलो उत्कर्ष, पहला वाला एड्रेस्ट तो है, और भी कुछ बोलो, और ओरिजिन पर ही है, क्योंकि x की वैल्यू इसकी क्या है, देख लो x 0 ही है, 1 सेकंड बाद ही क्या है, जीरो टेप मत लगाया करो चंदन, 2 सेकंड बाद भी 0 0 भी, तो 0 पे ही ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट जो पेड़ है वो मेरे घर के पीछे खड़ा है, तो 0 पे भी 0, वो 20 पे नहीं खड़ा है, 0 पे भी 0 पे ही खड़ा है, 1 पे भी 0 पे ही खड़ा है, और 2 पे भी। तो पहले का क्या स्टेट है बोलो, पहले का है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट ओरिजिन। अच्छा जो बी केस है, अमन बताओ, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म
बहुत बड़ी बात कही है अभिषेक। हाँ हाँ बोलो, क्या है ऑब्जेक्ट की स्टेज? वो सब ठीक है। दिव्या बोलो सर, ये तो दिख ही रहा है पहले ना ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। हाँ क्योंकि बदल नहीं रहा, एक सेकंड बाद भी 20 पे ही पेड़ है, और दो सेकंड बाद पे भी कितने पे, ये 20 पे खड़ा है कि नहीं? तो 20 पे पेड़ पहले ना कि नहीं? तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एट सी बताओ, बोलो मयंक। वीटी ग्राफ है, यानी कि मान लीजिए 10 और 20 है, तो एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी है, और 2 सेकंड बाद क्या उसकी स्पीड नहीं बदल रही है? पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो फिर इसलिए ये पैरेलल हो गया, तो इसलिए क्या माना जाए, ऑब्जेक्ट इन पैरेलल तो दिख रहा है, आपको बोलना है बस ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, तो ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा ये एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो ये एक सेकंड बाद इसका एक्सीलरेशन कितना है, और 2 सेकंड बाद 20 पर है, 1 सेकंड पे 20, 2 सेकंड तो एक्सीलरेशन 20 है, क्या चीज 20 है, तो इसलिए ये a एक्सीलरेशन तो क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड है, तो कनिष्ठा क्या लिखें, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म। बहुत अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और नॉन, नहीं थोड़ा एक साथ ही लिखा जाता है, एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अच्छा से आप फिफ्थ बताओ, ई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बहुत अच्छा नोएल आप बताओ, तनिष्का, अमन सर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हां यूनिफॉर्म मोशन है, और ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि 1 सेकंड पे ये 10 पर है, और 2 सेकंड पे कितना है, 20 पर, तो वो 10-10 चल रहा है कि नहीं, और 3 सेकंड पे कितने पे हो जाएगा, 30 पर, तो जब हर एक सेकंड में 10-10 चल रहा है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, क्योंकि अमन अपना अलग ही फेसेस ला रहा है, भाई एक सेकंड में 10 पे गया, 2 सेकंड पे 20 पे गया, 3 सेकंड पे 30 पे गया, तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर एफ, एफ बताओ अरविंद, अरविंद कौन है सर, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नहीं तो इतना भी जो बोला वो सही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये क्या वीटी ग्राफ है, और ये कौन सा है, वीटी ग्राफ, और ये एक्सटी, ये एटी, ये वीटी एक्सटी, और ये एक्सटी, ये हम आपके लिए छोड़ दें, ये हाँ, क्योंकि एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना आपके लिए, अरे दोनों चीज हटा देंगे तो कैसे बना पाओगे, चंदन के लिए तो सब आसान है ना, लेकिन चंदन ये नहीं सोचता और लोग कैसे बनाएंगे, इतने बारे में ही सोचता,
चलो जो आपने ग्राफ बनाए वही है, बस उनको बनाना है।